विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। जी ये कैसा अनर्थ कर बैठा मैं? मेरे सिवा जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी दुर्भाग्य और विपत्ति से घिरकर उसके जीवन का विनाश होगा। अरे कहाँ गया? अभी तो यही सो रहा था। कौन है जो गुप्त रूप से रात्रि में यहां आकर मेरे पुत्र को निहार रहा है? कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रहे हो? देवी पार्वती का सर। बताओ मुझे कौन हो तुम? यदि देवी पार्वती को ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ तो मैं बहुत संकट में पड़ जाऊंगा। मैंने पूछा कौन हो तुम? शनिदेव, पुत्र, माँ, क्षमा, क्षमा देवी पार्वती। मेरे पुत्र पर अपनी दृष्टि डालने का दुस्साहस कैसे किया आपने? देवी वो चंद्रदेव। चंद्रदेव वो तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे। शीघ्र यहां से भागने में ही मेरी भलाई। कुसुम कली है खिली खिली है सुंदर छैल छबीली गौरांगी माधुर सजीली कामिनी नार नवेली रंग रंगीले होंठ रसीले ने बड़े कजरारे एक झलक जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। परम सुंदरी दिव्यांगी धूप सी नारी हो चंचला दिव्य अप्सरा मुस्कुराती रूप सी नारी शोभनीय सुमुख रंगीली प्रिय दर्शन मुख प्यारा एक बार जो देखे हरे
रही मेरी। चाहते हो त्रिलोक विजेता से जो मांगोगे वो पाओगे। वचन देता हूं मुझे तुम्हारे उदर में स्थिर लेना चाहिए। गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं विकराल रूप से विचलित हो रहा है। स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी मां सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। अपने पुत्र को तो मैंने विश्वास दिला था कि मैं उसे सुरक्षित रखूंगी, किंतु मेरा ही मन अविश्वास से भर रहा है। शनि देव की दृष्टि
वर्षों के कठोर तप के पश्चात भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपने उदर में स्थित किया है मैंने, पर तुम चाहते हो कि मैं उन्हें लौटा दूं? कदापि नहीं। भोलेनाथ मेरे उदर में सुरक्षित है, तुम उनकी चिंता छोड़ दो, जाओ यहां से। मैं उन्हें नहीं लौटाऊंगा और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। अपने वचन का मान रखो गजासुर, तुम्हें एक अंतिम अवसर और देता हूं, लौटा दो भोलेनाथ को। जाओ जाओ, नहीं लौटा, नहीं लौटा। मेरे उदर से निकाल कर ले जा सकते हो उन्हें। अपना अंतिम अवसर भी तुम गवा चुके हो गजासु। नंदी, स्मरण रहे कि इस दुष्ट के उदर में भोलेनाथ स्थित, इसलिए अपनी गति पर नियंत्रण रखना। चिंतित क्यों है और सच बताइए। शनि देव का कैलाश आना मुझे चिंतित कर रहा है पुत्र। कोई चिंता मत कीजिए माँ, देखिए मैं आपके साथ हूँ, सब कुशल हूँ। ये देखिए, हाँ पुत्र, ऐसा ना कोई जन्मा है ना कोई जन्मेगा जो
तुम्हें हानि पहुंचा सके। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। मूर्ख बैल, मैंने कहा था ना, कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। आ, तेरे समक्ष खड़ा हूं मैं। ऐसा दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, अर्थात महादेव कैलाश लौट रहे हैं। मेरे प्रभु कैलाश लौट रहे हैं। इतने लंबे समय बाद अपने स्वामी से मेरे मिलन की प्रतीक्षा समाप्त होगी। ये लीजिए देवी पार्वती, इस लेप से मंगल स्नान कीजिए और श्रृंगार कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए। मुझे अभी अपना मंगल स्नान और श्रृंगार करना चाहिए। किंतु नंदी और अन्य गण तो महादेव को लेने गए, तो यहाँ द्वार की रक्षा कौन करेगा? नहीं, मैं अपने पुत्र को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। किंतु और कौन है जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकरशूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोः अम्बिकानाथः श्रीकंठो भक्तवत्सलः। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान अवश्य दूंगा। तथास्तु। आज से मैं अपने तन पर सदैव गजासुर का
चरण धारण करूंगा। अब आपके कैलाश जाने का समय हो गया है। देवी पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पार्वती, यहीं रहना पुत्र, मैं अभी आई। किंतु आप जा कहाँ रही हैं माँ? जया और विजय को ढूंढने पुत्र, मुझे स्नान के लिए जाना है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कोई तुम्हारे साथ रहे और भवन के द्वार की रक्षा करे। जब मैं आपके साथ हूँ तब आपको किसी और की क्या आवश्यकता है माँ? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूँगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। अच्छा, किंतु तुम ऐसा कैसे कर पाओगे पुत्र? मैं करूँगा ना रक्षा माँ। दिव्य है मेरा पुत्र, किंतु मुझे इसको और शक्तियाँ देनी होंगी।